कैसे हुई? मजा आया लोगों को? कुछ ही समय में जो फिल्म के जो एक्टर हैं जिनका नाम अनमोल और यहाँ आर्यन है ना, उनको बुलाया जाए। देखिए हम सब लोग फ्री है, अपना अपना फीडबैक देने के लिए बिल्कुल फ्री है, लेकिन आपकी जो एनर्जी है उसे देख के तो पता चल जाएगा। तो एक बार और बता दीजिए कैसी लगी मूवी? ये आइडिया कैसे आया मूवी, क्योंकि आप लोग स्कूल एजुकेशन में थे, तो ये आइडिया कैसे आया और क्या इसके पीछे पर्पस था? सबसे पहले तो इतनी सारी लड़कियों को देख के मुझे थोड़ा डर गया। मुझे पवन जी ने जो मल्होत्रा का किरदार आपने देखा, उन्होंने मुझे बता दिया था कि जैसे साक्षी का सीन आया तो लड़कियों ने इतनी हुकिंग की। सबसे पहले संजय जी सर को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने मेरे को इतनी अपॉर्चुनिटी दी और मुझे आप लोगों के बीच में रखा, तो सर के लिए एक बार जोरदार तालियां। मैं कुछ दिनों से इस ग्रुप से जुड़ा हूँ, सर से जुड़ा हूँ, और मुझे पता नहीं अंदरूनी इतनी खुशी हो रही है। पिछले 2 महीने से रोजा सिनेमा में ये फिल्म लग रही है, शायद इतनी खुशी वहाँ पे भी नहीं हुई होगी। वहाँ की डॉक्यूमेंट्रीज हमने बनाई, वहाँ इसी तरह से बच्चे मिलते हैं, काफी सारे कॉलेज बीएड कॉलेज स्टूडेंट स्कूल के आ रहे हैं रेगुलर, लेकिन जो आज देख के मुझे ऐसा लगा कि वाकई में आपको पसंद आया। थोड़ा सा प्रोजेक्टर व्यू जो होता है वो हॉल जितना नहीं होता, बट फिर भी आपने एंजॉय किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मूवी बनाने का या इस मूवी की थीम को लेकर के विचार ऐसा आया कि मैंने सोचा जो सर का मोटो रहता है हमेशा, सर का जो रहता है विचार कि हम कितना भी बड़ा लेक्चर देंगे किसी भी बच्चे या बड़े को नहीं समझा सकते। आज लेक्चर बोरिंग फील करवाते हैं, ऐसी चीजें होती हैं, तो एक शायद एक मूवी के जरिए हम लोग किसी भी इंसान को अच्छा समझा सकते हैं। और सर भी उसी तरह की क्रियाएं करते हैं। आपने अक्सर आपने मीटिंग अटेंड की है, मैंने तो सिर्फ सुना है कि मूवीज के और शॉर्ट मूवीज के द्वारा आप लोगों को मोटिवेट करते हैं, और इसी तरह से मुझे मूवी का एक ख्याल आया और मुझे अंदर से इतनी खुशी हो रही है कि आपको सब तरह से मूवी पसंद आई, गाने आपको पसंद आए होंगे, और शायद आपने नाम देख लिया होगा, गाने के लिए आवाज में है, मैंने तो जीना सीख लिया, सुना होगा, अच्छा लगा होगा आपको गाना। और फिर दहेज, क्योंकि बजट भी होता है और रिस्क भी होती है, तो बड़ा जबरदस्त ताल में रिस्क का, क्रिएटिविटी का, इनोवेशन का, आर्ट का। तो चाहे बॉम्बे में मूवी अच्छी बनती हो, पर इतने सारे एफर्ट एक पर्सन तो नहीं करता। इस मायने में आपका एफर्ट जो है ना बहुत ज्यादा एप्रिशिएबल है। कॉन्ग्रेचुलेशन। तो वो सॉन्ग को भी जब मैं यहाँ से गाकर थोड़ा सा बाहर गया था कुछ समय के लिए, तो वो तो मेरे भी जबान पे आ गया था। और सॉन्ग अच्छा है या खराब वो तो अपने आप ही पता चल जाता है, क्योंकि दिल से, क्योंकि अभी आज रात को जाएंगे ना तो अपने आप ही जाएंगे। सर मैं क्षमा चाहूंगा क्योंकि अभी मेरा गला खराब है, और वो फिल्म में अच्छा लगता है क्योंकि काफी चीजें होती है, स्टूडियो होता है, हॉल होता है। बट मैं आपको इस सॉन्ग के बारे में बता दूँ, मैं सर की जैसा प्रयास नहीं कर पाता, सबने काफी अच्छे सेटअप किए हुए हैं, पर फिर भी थोड़ी बहुत क्रिएटिविटी करता हूँ। हमेशा लिखने का बड़ा शौक है, शुरू से मेरी 8-10 साल से लिख रहा हूँ। मेरे गाने एक्चुअली में मेरी पोएट्री में 150 पोएम तक लिखी है, उसमें 4 आप सर्च भी कर सकते हैं, विजन इंटरनेशनल पे जाके या आप फेसबुक पे जाके इस पेज को लाइक कर सकते हैं, सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। अगली मूवी हम लोगों ने चालू कर दी है, लिखना भी चालू कर दी है, और उसका शूटिंग शुरू दिसंबर में चालू हो रहा है जो माँ के ऊपर है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, बट ये चीज़ हर जगह नहीं है, सारी उम्र एक जैसी नहीं होती। तो ये हकीकत आज टीचर के खिलाफ इस तरह के नियम आ गए और एजुकेशन को लोगों ने अलग तरीके से किया। बुद्धिजीवी लोगों की कमी होगी, उसके लिए 4 लाइनें मैंने लिखी थी। बताओ बताओ ये कौन सी परीक्षा चला रहे हैं, बताओ बताओ ये कौन सी परीक्षा चला रहे हैं कि अंगूठा टेक भी आज शिक्षा चला रहे हैं। बताओ 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 ये कौन सी परीक्षा चला रहे हैं कि अंगूठा टेक भी आज शिक्षा चला रहे हैं। कुछ तो कमी है व्यवस्था में कि पढ़े लिखे भी आज रिक्शा चला रहे हैं। पर जिस दिन छूटेगा साथ हमारा यार बहुत पछताओगे।